वेलकम टू मनीष क्रू। आज है 2 जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहली करंट अफेयर है रीना संधू जो है विदेश मंत्रालय में सचिव बनी है। रीना संधू ने विदेश मंत्रालय में सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 1989 बैच की भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी संधू ने विकास स्वरूप का स्थान लिया जो 35 साल की सेवा के बाद 30 जून 2021 को सेवानिवृत्त हुए। सचिव के रूप में कार्यभार संभालने से पहले वह विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर थीं। नेक्स्ट है ग्रुप एम ने कार्तिक शंकर को बनाया प्रमुख। WPP के मीडिया निवेश समूह ग्रुप एम इंडिया ने डिजिटल ट्रेडिंग के प्रमुख के रूप में कार्तिक शंकर की नियुक्ति की घोषणा की है। शंकर ग्रुप एम इंडिया के अग्रणी डिजिटल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप के लिए जिम्मेदार होंगे। ग्रुप एम इंडिया में बे मेकर मीडिया कॉम माइंड शेयर M6 मोटिवेटर एसेंस और स्पेशलिटी सर्विसेज सहित 6 एजेंसियाँ शामिल हैं। नेक्स्ट है भारतीय डाक कर्मचारी दिवस जो है 1 जुलाई को मनाया गया। भारतीय डाक कर्मचारी दिवस हर साल 1 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। डाक कर्मचारियों के प्रयासों और उनकी सेवा और कड़ी मेहनत को पहचानने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार अमेरिका में 1997 में मनाया गया था। यह दिन संचार की लाइनों को खुला रखने के लिए डाक कर्मचारियों के योगदान के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भी समर्पित है। नेक्स्ट है संजीव कुमार जो है सेना स्टाफ के उप प्रमुख बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार शर्मा सेना स्टाफ के नए उप प्रमुख बने हैं। यह पद 2020 में सेना के 1.3 मिलियन के मजबूत संचालन और खुफिया निदेशालयों की देखरेख के लिए बनाया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा ने लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह का स्थान लिया जो 2021 की शुरुआत में पहले DCOAS बने थे। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा सैन्य खुफिया महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट CCI ने SB एनर्जी होल्डिंग के अधिग्रहण को दी मंजूरी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा SB एनर्जी होल्डिंग लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। अडानी ग्रीन अक्षय ऊर्जा के जरिए बिजली उत्पादन के कारोबार में लगी हुई है। यह अडानी समूह का एक हिस्सा है जो एक भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह है जिसमें सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली 6 कंपनियां शामिल हैं। नेक्स्ट है 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का 7वां संस्करण एक द्विवार्षिक कार्यक्रम 28 जून से 1 जुलाई 2021 तक लाल रियूनियन में फ्रांसीसी नौसेना द्वारा आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना ने 2008 में IUNS की कल्पना की थी। IUNS की अध्यक्षता भारत, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और इस्लामी गणराज्य ईरान द्वारा की गई। फ्रांस ने 2 साल के कार्यकाल के लिए 29 जून 2021 को अध्यक्षता ग्रहण की। नेक्स्ट BR कृष्णा पश्चिमी वायु कमान के AOC NC बने हैं। एयर मार्शल BR कृष्णा ने 1 जुलाई 2021 को पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ AOC NC के रूप में पदभार ग्रहण किया। एयर मार्शल को भारतीय वायुसेना में दिसंबर 1983 में फाइटर पायलट के रूप में कमीशन किया गया था। हवा में एक वीरतापूर्ण कार्य की सराहना में उन्हें 1986 में सौर चक्र से सम्मानित किया गया था और विशिष्ट सेवा के लिए एयर मार्शल को 2017 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था।